रुक जा, पहले फोटो कौन ले रहा है? भाई सही से लेना, थोड़ा नीचे नीचे। तो किसको ढूंढ रहा है इतने ध्यान से? मैं फतेह सर की मैडम को ढूंढ रहा हूँ। जो सबसे सुंदर होंगी ना वही है। हाँ हाय यार, इतनी लग रही है, क्या बात है। तो इनको इतने ध्यान, इन्हें कहते हैं वेंट्रोलोकिस्ट आर्टिस्ट, यानी कि ये कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं। अब ये वेंट्रोलोकिस्ट सुन के आधे का दिमाग खराब हो गया होगा कि ये क्या बोल रहा है। वैसे सच बताऊं तो मुझे ये वेंट्रोलोकिस्ट बोलने के लिए 10 बार पीछे प्रैक्टिस करना पड़ा था कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये वेंट्रोलोकिस्ट आर्टिस्ट पपेट के साथ ऐसी खिलवाड़ करते हैं कि आप देख कर दंग रह जाओगे। क्या बात है, इतना प्यारा तेरा काम तूने बताया। यार मैंने बताया, तूने देखा नहीं। चलते झूठ बोलता है यार, सूरत में आके भी फाइट करेगा क्या? तो क्या हो गया, सबका वेलकम तो कर दे। रुक जा, पहले फोटो कौन ले रहा है? भाई सही से लेना, थोड़ा नीचे नीचे। किसको देख रहा है? सर को देख रहा हूँ सर, मैं भी एक एनिमेशन हूँ। अरे वाह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी महानुभूति का। तू एनिमेशन कैसे है? देखो सर, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे फ्रेमवर्क्स वालों ने बुलाया। वो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इसको ये समझ में तो आएगा कि एनिमेशन केवल हाथ डाल के नहीं होता है। किसको ढूंढ रहा है इतने ध्यान से? मैं फतेह सर की मैडम को ढूंढ रहा हूँ। जो सबसे सुंदर होंगी ना वही है। हाँ हाय यार, इतनी लग रही है, क्या बात है। तो इनको इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? देख भाई, फतेह सर सारे बच्चों को टाइट करके रखते हैं ना। मैं जानना चाहता हूँ घर पे उनको कौन टाइट करता है। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा मैडम घर से कंट्रोल करती है। तुझे कैसे पता? मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो घर पे जाते हैं। डिंपल ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सही करें? तो मैडम एडवाइस देती है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि महिला का विशेष ध्यान रखता है तू। तेरी तरह क्या दोस्तों, जब से आया है इधर ही देख रहा है, एक बार भी लड़के की तरफ नहीं था। मुझे तो इससे शक होता है। यार अच्छा सर, वीडियो भी बना रहे हैं सर, मैं आपको दिखाना, एक कंडक्टर मिला था जो बातें कर रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरा तो अच्छा लग रहा है सर, वीडियो शेयर कर देना। इसका सर कैमरा इतना बुरा है ना, मैं क्या बताऊं, आवाज सही नहीं आती। अच्छा बच्चे भी हाय, अरे हाय तो बोल दो। अच्छा मैडम भी हाय बोले, कैमरा चला रही है। अरे बात समझ नहीं, क्या थते सर ने अपने स्टाफ से सारा काम करा लिया। ये क्या हो रहा है? तो हुआ क्या? इन्होंने मोटा पैसा बचा लिया। फिर क्या करना है? इनको गिफ्ट में दे देना आज शाम को। कैसे? 5,000 रुपए लिफाफे में डाल के ये लो ये लो ये लो। लेकिन इसका फायदा भी तो है। बिल्कुल, एनिमेशन के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं। फ्यूचर बता ना। अरे गरीब आदमी तो कोई फ्यूचर नहीं होता। अच्छा जो जो एनिमेशन
कर रहे हैं फ्रेम बॉक्स में, इनका फ्यूचर बता दे। इनका फ्यूचर ब्राइट है। क्यों इनका फ्यूचर ब्राइट क्यों है? आगे सारे एनिमेशन का काम होने वाला है। क्यों? सारे एडवर्टाइजमेंट एनिमेशंस होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक कमरे में बैठे बैठे पूरी फिल्म बना देते हैं, है ना सर? इनको देख लो, इनको देख लो, रोजगार चलाने के लिए बंदर लेके ढोलना पड़ता है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से सूरत, सूरत से अहमदाबाद। और ये बच्चे एक कमरे में बैठ जाएंगे लैपटॉप लोगे और ऐसे कुट 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 करके लाख रुपए छाप देंगे। और सुनो दोस्तों, कुछ नहीं होता, मैं अपना एक YouTube चैनल खोल सकती हूँ। मैंने देखा कई लोगों को कार्टून बना बना के 10 लाख रुपए छाप रहे हैं। मतलब बढ़िया स्कोप है, तुझे कैसे पता यार? अभी सर ने बताया ना, तो मैंने सुना था। सर थैंक यू बताने के लिए, इसको तो कोई नॉलेज नहीं है। फतेह सर कहाँ है? बिजी हो रहे कहीं, लगता ही नहीं कहीं से मालिक है। अच्छा राजू सर, ये देखो पीछे खड़े जाके। अरे अभी पैसे नहीं मांग रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फ्यूचर की बात करें यार, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ। फोटो किसकी रखता है? फोटो मोदी जी की रखता हूँ, यही तो किस्त रुकी है यार। देख देशभक्त बनना है तो मोदी जी की फोटो रख, फिर शादी करनी है तो अनूप जलोटा जी की रख ले। तो पक्का शादी पक्की। चल ठीक है, एक शायरी सुना दे अच्छी सी। सुना दो दोस्तों, इधर से आवाज अच्छी आ रही है। मैडम आपका क्या नाम है? कौन सी? नहीं ऐसी तो। अच्छा आ गए फतेह जी, आ गए। अच्छा नहीं सुनो सुनो, कुछ लेने जा रहे होंगे। ये अपने किसी एम्प्लॉय को परेशान नहीं करते, खुद ही भागते रहते हैं। तो सुनो ब्रांच ऐसे नहीं चल रहा सर, जी जान से लगे हुए हैं। चल अच्छा तू बता, भाई साहब कैमरा सही चल रहा है ना? एक नंबर, कटना नहीं चाहिए नहीं तो पेमेंट कट सकती है। अच्छा तो क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक अच्छी सी शायरी सुना दे, उसके बाद फिर एंट्री मारेंगे। चल ठीक है, एक अच्छी सी शायरी सुना दे। तू भी कुछ कर ले, फतेह सर इसको बुलाया क्यों है? देखो चुपचाप खड़ा कुछ कर रहे हैं। माइक पकड़, ठीक है माइक पकड़ लेता हूँ। कुछ राजे सर देख रहे हो, कुछ कर रहे हैं। अगली बार मुझे अकेले बुला लेना सर, आधी मिनट में काम कर दूंगा। इसको फालतू बुलाया है, अपने तो प्लेन में बैठ गया, मुझे लगेज में डाल के लाया सर। कितनी गर्मी होती है इसे क्या पता। अंदर मजा आता है। क्या मजा आता है? ऊपर से बैग फेंकते हैं। ऊपर से बैग फेंक देते हैं? अरे यार मुझे पता नहीं है। आज शाम को जाते समय ना मैं उतर बैठूंगा, तू लगेज ले जाइयो, तब पता चल जाएगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा इंसल्ट मैं नहीं गिरा सकता, तेरे बस की भी नहीं है। ओके थैंक यू, थैंक यू।